जामिया इलाके में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नष्ट होने पर, आपको बता दें कि यहां सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हुई है। संपत्ति के नष्ट करने और दंगा फैलाने मामले में दो FIR दर्ज की गई हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में आज भी विरोध प्रदर्शन हुआ। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर शर्ट उतारकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंपस में हुए लाठीचार्ज के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। मौके पर पहुंची हमारी संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया और प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की। कल जो जामिया के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुआ वो सुबह तक जो है काबू में हो गया था, शांति बन गई थी। फिर से एक बार स्टूडेंट्स का जो है प्रोटेस्ट जारी है। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हम शांति से लाइब्रेरी में बैठे थे और उसके बाद पुलिस ने आकर हमें मारा और जो है हम पर लाठी चार्ज किया वो काफ़ी गलत है और हम ये सब नहीं सहेंगे। तो हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। कल जो हुआ उसके बारे में बताइए। मैम कल बच्चों का प्रोटेस्ट था ही नहीं, कल सारे बच्चे अंदर थे कैंपस के। शाम में 6 बजे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, एक एक कोई बच्चा खाना खा रहा था, कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, कोई चाय पी रहा था। दिल्ली पुलिस 50 आदमी कम से कम हर गेट से एंटर किए, गार्ड को मारा। गर्ल्स छुपने के लिए बाथरूम में घुस गई, गर्ल्स को वहां पे जाके लाइट बंद के मोलेस्ट किया, गर्ल्स ने आरोप लगाए हैं। और वहां पे बच्चों को मारा, ब्रूटली मारा, बहुत बुरी तरह मारा। ना हैंडीकैप्ड को छोड़ा, ना लड़कियों को छोड़ा, ना गार्ड्स को छोड़ा। चाहते क्या है, मतलब क्या चाहती है पुलिस? आज इसी को लेकर जांच भी बिठाई गई है कि पुलिस ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। पुलिस का कहना है कि जो स्टूडेंट्स थे वो प्रदर्शन कर रहे थे हिंसक, उन्होंने जब आग लगी है तो पथराव किया, पत्थर मारे। दिल्ली पुलिस ये साबित कर दे बच्चों ने बस में आग लगाई है, दिल्ली पुलिस जो सजा दे जामिया के बच्चे भुगतने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस ने खुद आग लगाई है गाड़ी में, उसकी लाइव वीडियोज है, प्रूफ है, फोटोज हैं उसके, वीडियोज हैं। दिल्ली पुलिस में हिम्मत है तो साबित करके दिखाए, उसकी लाइव वीडियोज हैं दिल्ली पुलिस। और सुनो एक मिनट, आग लगी है जुलेना पे लगी है, जामिया के बच्चे यहाँ आके भरत नगर आग लगाई है, जामिया के बच्चे यहाँ मार रहे हैं आके अंदर, आप खुद देखो ना।